नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक भाषण दिया जिसके चलते उन्हें सजा दे दी गई, लेकिन मोदी जी ने न जाने कितने भाषण गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ दिए हैं। उन पर तो कभी कोई मानहानि का केस लगाकर उन्हें कोई सजा नहीं हुई, उन्हें ये केस लगाकर शिक्षा देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी ओबीसी है, सवाल उठा दिया है और कहा कि ये तो देश का पैसा लूटकर भाग गए, तो फिर ये कैसे उस श्रेणी में आ गए? अगर ये भगोड़े हैं और राहुल गांधी ने भगोड़ों को लेकर बोला है तो फिर आपको दर्द क्यों हुआ है? खड़गे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी किसके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये जो सत्याग्रह है, ये 10 से 5 तक, ये सिर्फ एक आज के लिए है, लेकिन ऐसे सैकड़ों सत्याग्रह सारे देश में होंगे और हर जगह होंगे। कांग्रेस, बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का भी हमारे पास। एक बार मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो लॉ में पढ़ता था, तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास वो शक्ति है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमको अगर कोई कोशिश करता है, सत्य बोलने से रोक सकता है, प्रामाणिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है और देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है, हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। यही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है, जो इस देश के, थोड़ा सुनो, सुन के जाके अपने गांव में बोलो। देखिए, राहुल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज कीमतें इतने ऊपर चले गए, उसको नीचे लाने के लिए, लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वो लड़ रहे हैं, और उनके ऊपर आप केस करते हो। अरे, कोलार में जो बात हो गई वो चुनाव में थी, और वही कहा, किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है, वहां का केस सूरत में लाते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर कोई घटना होती है उसी स्टेट में करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत होता तो वो कर्नाटक में वो केस करके दिखाना था। वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा इस देश में सब कुछ जोड़ने के लिए, एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर व्यक्ति ने राहुल हिंदुस्तान में पैदा किया, जो सारे लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग बारिश में आए और ठंडी में आए, बर्फ में भी आए। ये एक व्यक्ति ने किया और उसको करोड़ों लोगों ने जोड़ा। ऐसे व्यक्ति को इससे डर के, भारत जोड़ो यात्रा को डर के ही
ये सब फैसले हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं फैसले इसीलिए क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट में रहे तो अदानी का इश्यू उठाएंगे। जो व्यक्ति उसके जीवन का 2014 के पहले 3000 करोड़ का था, फिर उसको बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ हो गया, फिर और बढ़ते 2 लाख हो गया, और आखिरी में सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ उसकी संपत्ति हो गई। कैसा हो गया भाई? यही हमारे राहुल जी ने पूछा। सिर्फ 2.5 साल में अगर एक व्यक्ति 12 लाख करोड़ रुपए कमाता है, आया कहां से, दिया किसने, और उसके अदानी के साथ आप फॉरेन जाते हो, उसको लेकर अपने साथ जाते हो, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ आए शपथ लेने के लिए उसके स्पेशल अपने विमान में आते हो, ऐसी बातें अगर पूछते हैं हम देशद्रोही होते हैं। ऐसी बातें अगर हम जनता के सामने जनता के लिए रखते हैं तो मोदी के लिए ये जरा तकलीफ की बात है। तो राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद से ही कांग्रेस ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जहां शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अब आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के राजघाट पर और साथ ही साथ सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह कर रही है और इस सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने मंच से मोदी सरकार पर जमकर आग उगली है। वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था, इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है, उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं पूछना चाहती हूं क्यों आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा, संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया, क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की
संस्कारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या देख नहीं रही है, क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है ये? राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, ये पीएसयू किसके हैं, किसके लिए बनाए गए, आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहाँ आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए। और खबर अब लखीमपुर से है, जहां थाना रेहरिया में पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जाखरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष के लोगों को काफी चोट आई है, जबकि धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और झाबुआ में राहुल गांधी के पक्ष में रेल रोको आंदोलन करने पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। झाबुआ में पुलिस विक्रांत भूरिया के निवास स्थान पर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भी शासन प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और इस बीच मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आपको ये बता दें कि गिरफ्तारी को रोकने के लिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम लग गया। इस बीच पुलिस के साथ भी कहासुनी हुई है। राहुल गांधी की सेना है, टावर कर नहीं है, जो डर जाएंगे इनको इनका जवाब पूरी जनता देगी। सांसदी जाने के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और आज कांग्रेस एक दिन का सत्याग्रह चला रही है। और इसी बीच कांग्रेस के तमाम जो मुख्यालय हैं, कार्यालय हैं, वहां पर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी पर हुई कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय के विरोध में आज शिवपुरी जिले में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिवपुरी के कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके विरोध में आज कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच राष्ट्रीय महासचिव सुधांशु त्रिवेदी के नेतृत्व में शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी आश्रम पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता माधव चौक पहुंचे, कोर्ट रोड और अस्पताल चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए, जहां पर पोलो ग्राउंड के पास पुलिस बल ने बैरिगेटिंग लगाकर कांग्रेस के हुजूम को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है।
इस दौरान एसडीएम को मौके पर पहुंचना पड़ा और एजीएम भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेसियों का उन्होंने ज्ञापन लिया है। आपका हौसला देखा, हम महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं। देखिएगा, जो यहाँ सरकार के लोग हैं, मैं उनको बता दूं, महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के पहले देश को आजाद कराने के लिए नमक की एक चुटकी उठाई थी। नमक की एक चुटकी, हमारे नौजवान साथी समझ लें कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है। एक नमक की चुटकी उठाई थी और अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का ये त्याग, जो सत्य के साथ निरंतर प्रयोग वो कर रहे हैं, कि सत्य को निरंतर कसौटी पर कस रहे हैं, कल का उनका बलिदान, पार्लियामेंट से उनका निष्कासन व्यर्थ नहीं जाएगा। कल संसद में लोकसभा स्पीकर ने गैर कानूनी तरीके से हमारे सम्मान नेता राहुल जी की सदस्यता बिना राहुल जी को सुने ही खत्म कर दी। ये प्रजातंत्र का की हत्या है। क्या संसद में बैठ के संसद अपनी बात भी नहीं कह पाएगा? क्या संसद में बैठ के क्या वहाँ सांसद पक्ष का विपक्ष का मजीरे बजाने जाते? हम अपनी मन की बात भी नहीं कह सकते। अगर हम मन की अपनी बात कहते हैं तो उसका परिणाम ये मिलता है कि उनकी सदस्यता खत्म कर दो। इस बीच उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में हुए करोड़ों रुपए के गबन का मास्टरमाइंड जेल प्रहारी निकला है, जिसने तत्कालीन जेल अधीक्षक उषाराज की मिलीभगत से धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस ने अभी तक करीब 68 खातों की पहचान कर ली है, जिनमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। बताया जा रहा है कि एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम में गबन कांड का खुलासा करते हुए बताया है कि सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में पिछले 3 सालों से इस पूरे गबन कांड को अंजाम दिया जा रहा था और इसका जेल प्रहरी और वेतन शाखा का बाबू रिपु दमन मास्टरमाइंड निकला है। तो वहीं तत्कालीन जेल अधीक्षक की लापरवाही और मिलीभगत भी उजागर हुई है। इसी के चलते आज दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड को सौंपा गया। जेल में जो गबन कांड के संदर्भ में जो ट्रेजरी से हमें एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें 10 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की थी, 3 वित्तीय वर्षों में 2020-21, 21-22 और 22-23 में 100 खातों के संदर्भ में गड़बड़ी की जो शिकायत दर्ज कराई गई थी। हमारा जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो इन खातों में टोटल 67 ऐसे व्यक्ति निकले, जिसमें 3 मृत हैं। इन 67 व्यक्तियों के 100 खातों में 122 बार आहरण होकर 13,54,00,000 की राशि का गबन किया गया था। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए थे, उसके आधार पर जो शाखा प्रभारी हैं उनकी भूमिका स्पष्ट थी। साथ ही साथ जो आहरण वितरण संबंध अधिकारी हैं, जो जेल अधीक्षक है, उनकी भी भूमिका इसमें स्पष्ट हुई और जो हमारे पास जो फिजिकल डॉक्यूमेंट सीज हुए उसमें उनकी अप्रूवल और सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद, उनकी भी भूमिका स्पष्ट होने के बाद हमने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है। और दोनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद हमने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड मांगा था, जिसमें 2 दिन का हमें पुलिस रिमांड मिला है। अब इन जो खातों से रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीमार पशुओं के इलाज के लिए वेटनरी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है, इसका लाइव प्रसारण किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि रायबरेली में बीमार पशुओं के इलाज के लिए 2 नई वेटनरी एम्बुलेंस की सौगात मिली है। जिलाधिकारी मारव श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट परिसर से दोनों एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि कोई भी बीमार पशु उसे इलाज कराने के लिए अब 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। ये एम्बुलेंस सभी सुविधाओं से युक्त है और मौके पर पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज किया जाएगा। इस मौके पर सलोन से बीजेपी विधायक अशोक कोरी और सीडीओ पूजा यादव भी मौजूद रहे। तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। संगम लाल गुप्ता ने कहा है कि देश जब आजाद हुआ था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को विसर्जित कर दिया जाए और आज राहुल गांधी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है और सांसद यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि तेली समाज, साहू समाज और ओबीसी पर जातिगत टिप्पणी की है। न्यायालय ने निष्पक्षता के साथ एक बड़ा ही निर्णय सुनाया है जो सराहनीय है। राहुल गांधी के ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं,
और अलग अलग प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, चंडीगढ़ में, कई सारे प्रदेशों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। देखिए, राहुल गांधी जी एक जात विशेष को लेकर कि जिसके आगे मोदी लिखा हो वो चोर है, और हमारे देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, तो राहुल गांधी मोदी और तेली समाज को एक जाति सूचक शब्द से गाली दिया उन्होंने, और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने उस पर न्याय दिया और कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुनाई और उस सजा के बेस पर उनकी सदस्यता निरस्त हो चुकी है। और कन्नौज में दिव्यांग का एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का रहने वाला देवेंद्र कुमार उर्फ प्राइवेट का शव पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मिला है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। अच्छी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।